गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 21 अप्रैल का और आज है रामनवमी। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। घर के सारे बेसिक्स काम कंप्लीट हो गए हैं और मैंने शावर भी ले लिया है। साथ ही मैं रेडी कर रही हूँ भोग के लिए प्रसाद। प्रसाद में मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, चना और पूरी। ये चने मैंने रात में ही भिगो दिए थे और इसे प्रेशर कुकर में कुक कर लिया है। अब इस बचे हुए पानी को मैं स्लो गैस में पका लूंगी, तब तक जब तक कि ये पानी पूरा सूख नहीं जाता है। साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है हलवा बनाने का। मैं कैसे हलवा बनाती हूँ वो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। ये सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इस वक्त मैं इसमें डालूंगी 2 बड़ा चम्मच घी। अब घी के साथ हम सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इलायची। आप चाहे तो आप इसमें इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से बचा लूंगी गार्निश के लिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं उन्हें। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही डाला है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। अगर आप मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। बहुत से लोग इसमें दूध डालना प्रेफर करते हैं, बट मैं पानी डालती हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। और गैस की फ्लेम एकदम लो है और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी, करीबन 1 बड़ा ग्लास। और अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। और ये देखिए चना एकदम रेडी हो गया है। अब इसके साथ ही साथ मैं फटाफट से पूड़ियां भी उतार लूंगी। मुंबई में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें इजीली नहीं मिल पा रही हैं। इस बार जो भी जितना भी सामान मिल पाया है बस उसी से हम दिल से भगवान की पूजा करेंगे। और आप सबके साथ भी मैं वही शेयर कर रही हूँ। ये कुछ थोड़े से गेंदे के फूल हमें मिल गए थे तो बस इन्हीं गेंदे के फूलों से अपने मंदिर को सजा रही हूँ। के बाद मैंने भगवान को टीका लगाया और साथ ही दिया बत्ती किया। दिया बत्ती करने के बाद अब बारी है भगवान को भोग लगाने की। जितनी देर में मैंने प्रसाद बनाकर भगवान जी को भोग लगाया उतनी देर में इंद्र ने हवन की पूरी तैयारी कर ली है। और आप सब भी हमारे साथ इस हवन का हिस्सा बनिए। हमारे साथ हाथ जोड़कर भगवान के आगे नतमस्तक होइए। साथ में हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस वक्त पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है। जो भी लोग या जिनका भी परिवार इस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हे प्रभु सबको शक्ति दो, सबको संयमता दो। साथ ही आप सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना ज्यादा हो सके इस वक्त अपने परिवार के साथ अपने घर पर ही रहिए। बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिए। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, प्लीज 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 उन्हें फॉलो कीजिए। बिल्कुल भी घबराइए मत। घर पर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस मुश्किल वक्त में अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने बुजुर्गों का और घर के छोटे बच्चों का। और भगवान से आप सभी के लिए प्रे कीजिए कि ये मुश्किल घड़ी जल्द से जल्द हम सब की जिंदगी से दूर हो जाए और हम सब लोग पहले की तरह अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते हुए अपना वक्त गुजारें।
इस मुश्किल समय में जो भी लोग सक्षम हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट हो, हे प्रभु सबका कल्याण करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हवन करने के बाद हम लोगों ने आरती कर ली थी और ये प्रसाद आप सभी के लिए, आप लोग भी प्रसाद को ग्रहण कीजिए। अभी बज रहे हैं घड़ी में 1:15 और मैं प्रिपेयर कर रही हूँ लंच। आज लंच में मैं बना रही हूँ राजमा चावल पूड़ी और खीरे का रायता। आप लोग भी हमारे साथ लंच कीजिए। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और आज मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि किसी भी रीज़न से मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर या सब्सक्राइब कीजिएगा। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनिए, जितना हो सके उतना घर से कम निकलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सबके लिए प्रे कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ़।